नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है शरद पूर्णिमा का, और चंद्रमा से जो अमृत वर्षा होने की बात है उसमें कितनी सच्चाई है। तो आइए समय ना गंवाते हुए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और भी रिक्वेस्ट थी दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, आज पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस पर्व पर यानी कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अमृत वर्षा करता है। इस समय चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके बाद उसकी किरणों के अमृत को दूध से बनी खीर के जरिए शरीर में उतारा जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। अश्विन महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं। वेदों और पुराणों में अश्विनी कुमार को देवताओं के चिकित्सक के रूप में दर्शाया गया है, यानी इनसे ही देवताओं को सोम और अमृत मिलता है। जब इनके ही नक्षत्र में चंद्रमा पूरी 16 कलाओं के साथ मौजूद होता है तो हर तरह की बीमारियों को दूर करता है और अपने आशीष स्वरूप अमृत की वर्षा करता है चंद्रमा के माध्यम से। ये स्थिति पूरे साल में सिर्फ एक ही बार शरद ऋतु के दौरान बनती है, इसीलिए शरद पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है और इसी वजह से इस पूर्णिमा को रोगनाशिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर चावल की खीर ही क्यों। एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें BHU के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी ने बताया था, उनका लेख था वो, कि खीर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ग्रंथों में बताए गए 5 अमृत में से पहला दूध है। ज्योतिष ग्रंथों में भी बताया गया है कि दूध पर चंद्रमा का खास प्रभाव होता है। चंद्रदोष को ख़त्म करने के लिए दूध का दान किया जाता है। वहीं खीर में चावल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि वेदों में चावल को हविष्य अन्न कहा जाता है, यानी हवन करने योग्य अन्न चावल ही है। चावल को अक्षत भी कहते हैं, इसका मतलब है जो कभी खंडित न हो। चंद्रमा की रोशनी से मिलने वाले अमृत का अंश चावल में आसानी से आ जाता है और उस चावल को खाने से शरीर पर उसका पूरा असर होता है। अब ये भी कहा जाता है कि अगर खीर चांदी के बर्तन में रखी जाए तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चांदी का बर्तन खाने की चीज़ों को कीटाणुओं से बचाए रखने में कारगर होता है। चांदी के बर्तनों में पानी, दूध या कोई और भी तरल पदार्थ रखने से उसकी शुद्धता बढ़ जाती है। यह है इसका वैज्ञानिक कारण। इसके साथ ही चांदी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये जो धातु है 100% बैक्टीरिया फ्री होती है, इसीलिए इन्फेक्शन से भी बचाती है। चांदी के बर्तन में खाने से किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये हर तरह से सेहत के लिए अच्छी होती है, इसीलिए हर तरह के संक्रमण से बचने के लिए शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जल्दी से शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण भी कर लेते हैं क्योंकि इस कथा को शरद पूर्णिमा के दिन पढ़ने या श्रवण मात्र से भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। हालांकि बड़ी बेटी पूरा व्रत करती थी लेकिन छोटी बेटी अधूरा व्रत ही छोड़ देती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि छोटी बेटी की संतान पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाया करती थी। उसने पंडितों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। अब पूरे विधि विधान से पूजा करके ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। ये सुनने के पश्चात छोटी बेटी ने विधि विधान के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत किया। इसके बावजूद उसकी संतान पैदा होते ही मर गई, उसके जो कर्म थे पिछले उनकी वजह से। इस बात से आहत होकर छोटी बेटी ने संतान को लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढांक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसी जगह बैठने को कहा जहाँ उसने अपनी संतान को कपड़े से ढका था। जब उसकी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और वह रोने लगा।
तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उसे बताया कि ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे भाग्य से, तुम्हारे कर्मों के प्रभाव से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ। और इस घटना के बाद से वह हर साल शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत रखने लगी। और अब आइए दोस्तों, शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस बार यानी कि 2021 में शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा 19 अक्टूबर को है और इस दिन मंगलवार पड़ेगा। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 19 अक्टूबर 2021 को शाम 7 बजे से। पूर्णिमा की तिथि का जो समापन होगा वो होगा 20 अक्टूबर 2021 को रात्रि 8:20 पे। तो आप भी व्रत जरूर रखें। इस दिन लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और भगवान से आपके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की जाती है। चंद्रमा की पूजा करें, अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनको भोग लगाएं, और ये सब चीज़ें आप करें और आपका जो घर है खुशियों से भर जाएगा। आज बस इतना ही दोस्तों।